हेलो फ्रेंड, ये वीडियो है 63rd बीपीएससी का जो एग्जाम देने जा रहे हैं और 64th की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। सबसे मेन इसमें जो फोकस होगा वो 63rd जो मेंस होने वाली है उसका जो एग्जाम देने जा रहा है उसके लिए थोड़ी सी मेरी तरफ से सजेशन कि आप लोग मेंस एग्जाम में क्या करें। इसमें जो मेन हम लोग बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जीएस में तो सब करना है लेकिन ऑप्शनल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिससे ज्यादा नंबर मिले। जीएस में ऑप्शनल पेपर में 12 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 10, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर 10 12 14 तक क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। तो यहां पे भी मायने रखता है वो 5 क्वेश्चन कौन सा। चलिए इस पे तो हम करेंगे, उसको एग्जांपल से भी देखेंगे। जो 62 का जो एग्जाम हुआ था उसके उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसमें से हमें कौन से क्वेश्चन लिखने चाहिए और क्यों लिखने चाहिए और उसमें क्यों ज्यादा नंबर आएगा, ये सब देखेंगे। उसी के अकॉर्डिंग आप जो अगला एग्जाम देने जा रहे हो उसमें भी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप पेपर देने जा रहे हैं मेंस का, सबसे पहले कि मेंस का जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन को आप लोग जरूर अच्छे से पढ़े। टाइम रहता है, 3 घंटे का टाइम कम नहीं होता। क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़े और 2-3 बार पढ़े कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा उसमें वो परिणाम की बात कर रहा है, 1857 की क्रांति की नहीं। उसके में क्वेश्चन था कि 19वीं शताब्दी में जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए उसके परिणाम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ये क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए उसके क्या परिणाम हुए उस पर आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्या पूछा? धार्मिक सामाजिक जो सुधार आंदोलन थे उसका परिणाम के बारे में पूछ रहा है, न कारण पूछा है न स्वरूप, कुछ नहीं पूछा, सिर्फ परिणाम के बारे में पूछ रहा है और उसमें आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिणाम, तो यहां पे ये नहीं हुआ कि किस किस ने किया, कौन कौन सा आंदोलन था, आंदोलन का कारण क्या था। इतने डिटेल में जाएंगे तो क्वेश्चन आपका आंसर जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहां पे जो डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है और आलोचनात्मक व्याख्या मांग रहा है तो आलोचना भी करनी है, बाद में कंक्लूजन देना है। ये रही एक बात, तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से समझे। उसके बाद क्वेश्चन कई बार 2-3 टुकड़ों में होता है, 2-3 टुकड़ों में होता है और वहां पे लिख भी दिया जाता है कि पहले पार्ट के लिए 15 नंबर, दूसरे के लिए 25 नंबर, इस तरह से डिवाइड किया जाता है। बहुत बार क्या होता है कि जो बहुत आसान पोर्शन होता है उसको हम लोग पूरी तरह से खींच लेते हैं और सेकेंड पार्ट को या फर्स्ट पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, तो उससे नंबर कैसे आएगा। अगर आपने पहले पार्ट पे कोई ज्यादा लिख दिया तो वहां तो 15 ही नंबर के अंदर आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ना, लेकिन जो 25 नंबर का जो सेकेंड पार्ट है उसको आपने इग्नोर कर दिया या बहुत कम लिखा तो नंबर आपका कट जाएगा। या अगर 25 नंबर वाले को ज्यादा लिख दिया, 15 को कम कर दिया तो 25 के अंदर ही नंबर मिलेगी। लेकिन अगर आपने दोनों पे बैलेंस रूप से लिखा है, दोनों पे बिल्कुल बैलेंस लिखा है, तब आपको दोनों में से थोड़ा थोड़ा नंबर मिलेगा तो नंबर ज्यादा हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी टुकड़ा है, जितने भी टुकड़े क्वेश्चन के किए गए हर टुकड़े पे आपको प्रॉपर लिखना है, अच्छे से लिखना है। तो ये तीसरा, हर क्वेश्चन, हर नहीं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन के पीछे एक टेल जुड़ा होता है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया उसके बाद कहीं ना कहीं लिख देगा टिप्पणी, यानी कमेंट करे, आलोचनात्मक व्याख्या करे, क्रिटिकल एनालिसिस जिसको कहते हैं, समालोचना करे, विस्तारित करे, व्याख्या करे या मूल्यांकन करे, इवेल्युएट करे। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे, इस क्वेश्चन के टेल, तो इस तरह से टेल में इन चीजों को जोड़ दिया जाता है। इसका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जैसे पहले एग्जाम्पल मैंने दिया था कि 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के परिणाम की आलोचनात्मक व्याख्या करें। अगर आलोचनात्मक व्याख्या करेंगे तो उसका आंसर बदल जाएगा, अगर टिप्पणी लिख देगा तो उसका आंसर बदल जाएगा, मूल्यांकन करना लिखा जाएगा तो उसका आंसर बदल जाएगा, व्याख्या करना, समीक्षा करना, तो इसके आंसर बदल जाएंगे। इसीलिए इस तरह के जो छोटे छोटे टेल्स होते हैं इस पर ध्यान दें। और एक सबसे जरूरी बात कि आप लोग, मैक्सिमम लोग वर्ड लिमिट का ख्याल नहीं रखते, इस गलतफहमी में नहीं रखते हैं कि जो आयोग के जो आप लिखते हो उसको चेक करने वाले पटना यूनिवर्सिटी के, मगध यूनिवर्सिटी के, इन सब जगह के प्रोफेसर हैं जो अक्सर हाँ ग्रेजुएशन का पेपर चेक करते हैं, एमए का पेपर चेक करते हैं, तो वो उनको आदत है लंबे लंबे क्वेश्चंस को चेक करने का। आपको भी लगता है कि इसीलिए बहुत ही लंबा क्वेश्चन लिखते हैं, जितना लंबा क्वेश्चन लिखेंगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा, ये एक भी एक बात है। लेकिन आप जब भी
मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही लंबा कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका जो आंसर वो बिखर जाएगा। आपके आंसर में जो वो कसावट होनी चाहिए जिसको कहते हैं एकदम सटीक आंसर, वो सटीक आंसर नहीं होगा, वो आंसर बिल्कुल बिखर जाएगा, कहानी बन जाएगी। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आंसर लगातार आ रहे हैं, मैं चेक भी कर रहा हूँ 63rd के लिए, फिर क्वेश्चन पेपर चेक भी कर रहा हूँ, तो खैर बहुत इंप्रूव आ गया है, इंप्रूवमेंट आ गया उन लोगों में, लेकिन आंसर क्या था, कहानी चल रही थी। अब 19वीं शताब्दी की बात की जाएगी तो आप लोग कहानी लिख दोगे, बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, कहानी लिखेंगे, राजा राम मोहन राय ने ये किया, उनकी जन्म यहां हुई वहां हुई, सब कुछ लिखेंगे, क्वेश्चन का डिमांड पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आंसर लिखना है। याद रखना, एकेडमिक का जो कॉपी चेक होता है वो ग्रेजुएशन हो, इंटर हो, एमए हो, कुछ भी, वहां पे मैक्सिमम कोशिश की जाती है स्टूडेंट को पास करने की, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं होता है। जब आयोग की कॉपी चेक होती है तो वहां मैक्सिमम लोगों को बाहर किया जाता है, मैक्सिमम लोगों को कॉपी चेक करने का उद्देश्य है बाहर करना। ये आपके कॉपी के अंदर आपकी लिखावट की क्षमता होगी, अगर आपने बहुत ही अच्छा लिखा होगा तो ये आपके लिखावट या आपके आंसर राइटिंग पे डिपेंड करता है कि वो जो एग्जामिनर चेक कर रहा है वो मजबूर हो जाए आंसर देने के लिए और आपको इन कर दे, नहीं तो वो बाहर करने के लिए बैठा हुआ है। ये आपका आंसर स्किल है जो आपको अंदर लेके जाएगा, वो मजबूर होगा नंबर देने के लिए। तो सबसे पहली बात कि आप आंसर वर्ड लिमिट एकदम, मतलब कितना, 200 300 400 से ऊपर जीएस में उसमें ना जाए, जीएस पेपर में, और मैक्सिमम 600 से ऊपर या 700 से ऊपर आप ऑप्शनल पेपर में ना जाए। एक और अलग अलग, ये नहीं कि सब जगह, जहां पे छोटे छोटे क्वेश्चन है वहां पे उसको आप कम करो, 200 300 वर्ड में भी लिखो, ताकि आपका जो आंसर होगा वो सटीक होगा। और सबसे अच्छा बात अपने आंसर को चेक करने का, आप खुद आंसर लिखिए, किसी भी क्वेश्चन में आप खुद आंसर लिखो और उसको एज ए एग्जामिनर चेक करो, एज ए एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसके अकॉर्डिंग आप उस क्वेश्चन को चेक करो। क्या आपको लगता है कि आपके सामने जब वो क्वेश्चन पेपर आता तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर लिखा है आप उसमें कितना नंबर देते? अगर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसमें बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। सबके, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, जो अच्छा लिख रहा है वो लिख रहा हो ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो अच्छे आंसर नहीं लिख रहे हैं, इसलिए मेरा एक तरह से सजेशन है, तो आप खुद चेक करो उसको। अगर आपको लगता है कि उसके अंदर कमी है, जब आप ही को लगता है कि आपके आंसर में कमी है तो जो चेक कर रहा हो वो कितना इरिटेट होगा। इसीलिए कहानी लिखने से बचे, कहानी किसी को नहीं जानना है, किसी को, जो वहां पे कॉपी चेक कर रहा है उसको भी कहानी पता है, इसलिए कहानी किसी को नहीं जानना है। क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर लिख रहे हो तो आपको स्कोर मिलेगा। आंसर को आप लंबा नहीं करें क्योंकि आप कर ही नहीं सकते, आप कर ही नहीं सकते उसको बहुत लंबा। अगर आप लंबा करोगे तो बीच में स्टोरी आ जाएगा और स्टोरी किसी को नहीं पढ़ना। आप एक बार सोचो कि एक जो चेक कर रहा है आपका कॉपी, जो चेक कर रहा है वो सुबह से कॉपी लेके बैठा हुआ है, अब वहां पे अगर वो तो खुद ही चेक कर करके परेशान है, वहां पे अगर बेकार के आंसर उसके सामने आ जाएंगे तो वो कैसे नंबर देगा? वही पे अगर बहुत ही खूबसूरत आंसर उसके पास आ जाएगा तो उसका भी दिल खुश हो जाएगा, वो भी स्कोर आपका बढ़ा देगा, नहीं भी जो स्कोर मिलना चाहिए वो भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आंसर राइटिंग अच्छे से करें, और आंसर राइटिंग एक आर्ट है, इसको डेवलप करना पड़ता है। और आंसर राइटिंग आप ये मान के हमेशा आंसर लिखना, ये मान के आप आंसर लिखना कि आप वहां पे जो आपका कॉपी चेक कर रहा है आप वहां पे उसको समझा रहे हो अपने आंसर के थ्रू। अगर क्वेश्चन यही है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में, 19वीं शताब्दी में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के परिणामों की आलोचनात्मक व्याख्या करें, तो परिणाम उसकी आलोचना और फिर जो कंक्लूजन है, आप जो लिख रहे हो वो जो चेक कर रहा है अगर वो उस चीज को नहीं भी जानता है, अगर वो नहीं भी जानता है तो उसको पूरी तरह से समझ में आ जाए। जैसे 18 सिंपल सा एग्जांपल लेकर मैं चलता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान उधार की पोटली है, कहा जाता है कि भारतीय संविधान उधार की पोटली है, अलग अलग जगह से लिया गया, अगर सिंपल क्वेश्चन भारतीय समाज उधार की पोटली है, टिप्पणी करें, आप सामने वाले को जब आप आंसर लिखो तो ये समझाने में सफल हो जाओ कि आपका जो क्वेश्चन आंसर पढ़े तो आंसर पढ़ने से उसको समझ में आ जाए कि भारतीय समाज उधार की पोटली है तो कैसे, या नहीं है तो कैसे। तो ये आंसर, ये स्किल होना चाहिए कि आप अपने आंसर के थ्रू सामने वाले को बता पाओ, क्योंकि जब वो कॉपी चेक होता है तब आप वहां पे उसको बताने के लिए नहीं रहते हो। जब तक आपका आंसर क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका आंसर क्लियर नहीं होगा इसको नहीं मिलेगा। इसीलिए आंसर में क्लियरिटी रखें, वो क्लियरिटी तभी आएगी जब आप क्वेश्चन पेपर पे प्रैक्टिस करेंगे।
क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, आंसर छोटा होगा, आंसर सटीक होगा, उसके अंदर कंटेंट होंगे, उसके अंदर कंटेंट होंगे तभी स्कोर मिलेगा। कहानी पे स्कोर नहीं मिलता, कंटेंट पे स्कोर मिलता है। आप कंटेंट जो आपके पास है उस कंटेंट के साथ अच्छे अच्छे लाइन डालें, उस कंटेंट के साथ आप अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करें, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करें। जब आपके शब्द अच्छे होंगे तो सामने वाले को चीक करने में भी अच्छा लगेगा। आपके आप हिंदी में लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो, यह फर्क नहीं पड़ता। आप उपयुक्त, जिसको कहते हैं उपयुक्त शब्दों का जब चयन करेंगे, एक स्टैंडर्ड शब्द का जब वहां पे आप डालेंगे, हिंदी हो या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, तब उसको भी चेक करने में अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छे अच्छे शब्द जब नजर आएंगे, काफी कसे हुए काफी गुथे हुए जब सेंटेंस आएगा, जो तथ्यात्मक भी होगा, जो तथ्यात्मक भी होगा, जो क्वेश्चन आंसर का डिमांड, क्वेश्चन का डिमांड पूरा कर रहा होगा, तो वहां डेफिनेटली आपको स्कोर अच्छा मिलेगा। ये रहा, अब सवाल उठता है कि किस तरह से हम किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करें, क्योंकि देखो क्वेश्चन रहते हैं ऑप्शन, जीएस में तो आपको सब लिखना है, लेकिन ऑप्शनल पेपर में क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन, उसके अंदर आपको पांच क्वेश्चन चूज करने हैं। अब उस पांच क्वेश्चन चूज करने का आधार क्या हो, बहुत बार ऐसा होता है कि जब कुछ नहीं मिलता तो जो भी सामने क्वेश्चन आया फटाफट उसको बनाया निकल गया। कुछ ना कुछ तो होगा उस पांच क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जहां से ज्यादा स्कोर किया जा सकता है, और जो होता है मैं आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये हो सकता है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर है मेरे पास, अभी हम इसमें बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर है, हम थोड़ा थोड़ा करके सब में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, अच्छा 60 से 62 का जो मेंस का एग्जाम हुआ था उसी के आधार पे मैं आपको यहां पे बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल दूंगा बस। ये पॉलिटिकल साइंस का मेंस का क्वेश्चन है 60 से 62 एग्जाम का। इसका पहला ही क्वेश्चन आप जब देखोगे, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल देता हूं, नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अरस्तु के आदर्श राज्य, क्वेश्चन है अरस्तु के आदर्श राज्य प्लेटो के आदर्श राज्य से किस प्रकार भिन्न थे, विवेचना कीजिए। देखो विवेचना कीजिए मतलब डिस्कस कीजिए, क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक संप्रत्यय क्या है, व्हाट इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लिबर्टी, सकारात्मक संप्रत्यय क्या है और यह नकारात्मकता से किस प्रकार भिन्न है, यानी यहां पे अंतर पूछ रहा है सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक, जो दो तरह की स्वतंत्रता होती है इन दोनों में डिफरेंस क्या है यह पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन और भी है मैं जो बता रहा हूं वो, लेनिन के साम्राज्यवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, लेनिन के साम्राज्यवाद के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, यह सिद्धांत आधुनिक समय में कहां तक प्रासंगिक है। अभी इतना ही पे बात करते हैं, अगर आप स्वतंत्रता की नकारात्मक संप्रत्यय क्या है और सकारात्मक क्या है इसमें डिफरेंस दिखाते हैं, और अगर आप लेनिन के साम्राज्यवाद को दिखाते हैं और उसको अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में कंपेयर करके बता रहे हैं कि वो कहां तक प्रासंगिक है, इसको आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप ही सोचो कि स्वतंत्रता की जो नकारात्मक और सकारात्मक है ये क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन आप मत लिखो, मैं अपने तरफ से जो मुझे जहां तक समझ है वो मैं बता रहा हूं कि स्वतंत्रता की जो सकारात्मक और नकारात्मक अवधारणा है इसका सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ो और यहां डालो, और ऐसा नहीं कि उसके अंदर कुछ नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन जब आप लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धांत आप लिख रहे होगे और उसको वर्तमान करेंट कॉन्टेक्स्ट में जब आप उसको कनेक्ट करोगे उसके साथ, तो एक कमाल का आंसर तैयार होगा, और वो मतलब अगर यही दो क्वेश्चन किसी ने इसके स्वतंत्रता पे लिखा और किसी ने लेनिन वाले पे लिखा, और टीचर जब चेक कर रहा होगा तो लेनिन वाले पे अगर अच्छे से आपने आंसर लिख दिया तो बहुत बड़ा अंतर क्रिएट होगा दोनों के स्कोर में, बहुत, क्योंकि स्वतंत्रता के सकारात्मक नकारात्मक जो 10-15 पॉइंट है वह हर जगह मिल जाएंगे, आप लोग भी आराम से याद कर लोगे और लिख दोगे, लेकिन जब इसको आप लिखोगे तो उसको भी दिखेगा कि स्टूडेंट की जो दृष्टि है वो कमाल की है, ठीक है, उसने एक टफ क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लिया है, उसने एक रिस्क लिया है, अटेम्प्ट लिया और अच्छे से इसको किया है, तो आप थोड़ा सा दाएं बाएं भी हो जाएगा तो अच्छा स्कोर आपको मिलेगा। ये मतलब मैं समझा रहा हूं थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद के अध्ययन पर विभिन्न दृष्टिकोणों की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है प्लेटो के आदर्श राज्य और अरस्तु के आदर्श राज्य में क्या अंतर है, ठीक है, वहां से उठाओगे या डालोगे, लेकिन जब इसको आप लिखोगे कि भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद पे अलग अलग थॉट्स क्या है और उसको जब कंपेयर करोगे तो फिर उसका बात ही अलग होगा।
तो ये है। अब पार्टी का था, मैंने थोड़ा सा दिखाया आपको, उसके बाद फिलॉसफी एक बार देख लेते हैं। फिलॉसफी वैसे ही मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है, तो फिलॉसफी देखते हैं। देखो फिलॉसफी में पहला क्वेश्चन सब शिष्यों का ही होगा। फिलॉसफी में पहला क्वेश्चन है कि कार्टेशियन संदेह पद्धति की आलोचना करें। कार्टेशियन संदेह पद्धति की आलोचना करें जो डेकार्ते का है। हेगल के निरपेक्ष प्रत्ययवाद पर संक्षिप्त विवेचना कीजिए। एयर का सत्यापन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उसके बाद अभी तानवेवाद और अन्विता विधानवाद की बात कीजिए। रामानुजाचार्य की आधार पर मायावाद का खंडन करते हैं और नागार्जुन के शून्यवाद का सिद्धांत। यहां पे अगर आप कार्टेशियन संदेह पद्धति, ये हर कोई लिखेगा, हर कोई लिखेगा, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है और हर कोई लिखेगा और वही चीज लिखेगा। इसका हेगेल का निरपेक्ष प्रत्ययवाद भी हर लिखेगा, लेकिन जब आप वेस्टर्न फिलोसफी से या कंटेम्पररी फिलोसफी से जब आप जब क्वेश्चन उठाते हैं और उसका आंसर अच्छे से देते हो तो वहां नंबर ज्यादा आता है। वहां ये हेगल का जो निरपेक्ष प्रत्ययवाद है, ये एक मतलब ये हेगल का एक तो हेगल वैसे ही परेशान करता है स्टूडेंट को, लेकिन हेगल के निरपेक्ष प्रत्ययवाद के बारे में, एब्सोल्यूट आइडियलिज्म के बारे में जब आप लिखेंगे अच्छे से सब कुछ समझाते हुए, तो डेकार्ते वाले क्वेश्चन से ज्यादा नंबर मिलेगा। दोनों वेस्टर्न ही है लेकिन डेकार्ते से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही कॉमन है, सब कोई लिखेगा। वो सब जो भी कहीं फिलॉसफी में फंस जाएगा वो डेकार्ते का लिख के निकल जाएगा, बर्कले का मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं ये कह के निकल जाएगा। लेकिन आप अगर ये लिख रहे हैं तो उसको पता है कि आपका इसमें बहुत जबरदस्त पकड़ है फिलॉसफी पे। ठीक उसी तरह से एयर का सत्यापन सिद्धांत, एयर का जो थ्योरी है वेरिफिकेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जब जब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा तब तक इसका आंसर अच्छे से नहीं लिखा जा सकता। ये अब ये अभी मैंने वेस्टर्न और कंटेम्प्रेरी की बात की, अब इसी में इंडियन फिलॉसफी भी है। इंडियन फिलॉसफी में एक क्वेश्चन है, रामानुजाचार्य ने किस आधार पर मायावाद के सिद्धांत का खंडन किया है। आठ प्रकार का जो उसका आठ प्रकार का आधार है जिसके आधार पर उन्होंने मायावाद का खंडन किया है, तो ये तो हो गई, आपने वहां लाओगे यहां लिख दोगे, सीधा सीधा क्वेश्चन। लेकिन अगर आप अभी ही तानवयवाद और अन्विता विधानवाद जो भाषा से रिलेटेड है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, शब्द का अपने शब्द के अर्थों से रिलेटेड है, अगर इस पे आप लिख रहे हो तो डेफिनेटली आप रिस्क ले रहे हो थोड़ा सा, और ये बहुत ही सॉलिड होगा, ये बहुत ही सॉलिड होगा, मैंने बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा अगर आप रामानुजा के जगह पे अन्विता विधानवाद और अन्विता विधानवाद इस पे अगर आप लिख रहे हो तो। उसी तरह से रामानुजा के शून्यवाद के सिद्धांत, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा मैं कहूंगा अभी हितान्वयवाद और अन्विता विधानवाद, ये अगर आप लिखते हो तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा इसमें। तो इस तरह से अगर लिखना हो तो आप इसमें एयर लिख सकते हैं, हेगल लिख सकते हैं और अन्विता विधानवाद पे आप लिखो, अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद सेकेंड पेपर है, दर्शन शास्त्र किस प्रकार किसी देश की सांस्कृतिक विरासत को प्रभावित करती है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद धार्मिक भाषा में ब्लिक का सिद्धांत दिया गया है धार्मिक भाषा में, उसको लिखो। तो इस तरह के मोक्ष के स्वरूप के बारे में लिख सकते हो, तो यहां पे नंबर फिर ज्यादा आएगा। उसके बाद पवैट में देख लेते हैं, सब फिलोसफी ऑप्शन में तो वही सब है। अब हम लोग पवैट को देखते हैं, वही 60 से 62 का है। इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि लोक एवं निजी प्रशासन को परिभाषित कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में लोक एवं निजी संगठनों की दूरी स्नेह लुप्त होती जा रही, विवेचना कीजिए। यहां पे दो चीजें, एक दो पार्ट में क्वेश्चन है। पहला है लोक एवं निजी प्रशासन को परिभाषित कीजिए, तो पहले आपको परिभाषित करना है, इसके बारे में बताना है। दूसरा पार्ट, हर एक वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस होता है मेंस के एग्जाम में। क्या आप सोचते हैं, यहीं पे आपको फंसा रहा है, क्या आप सोचते हैं ऐसा कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के युग में लोक एवं निजी संगठनों की दूरी स्नेह बढ़ती जा रही है, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं? आपको यहां दिखाना होगा कि किस सेक्टर में ऐसा दूरी, इस तरह की दूरी कम होती जा रही है, कहां पे दूरी बढ़ती जा रही है। एक बैलेंस आंसर आपको लिखना होगा और लिखा है विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस करना है, तो आपको एक बैलेंस आंसर यहां पे दिखाना पड़ेगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और अगला ही है कि प्रशासनिक निर्णयन पर हर्बर्ट साइमन के विचारों का परीक्षण कीजिए, उसके निर्णय प्रतिमान में निहित विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर कर दिया जाए तो जो पहला क्वेश्चन है वो इस पे भारी पड़ेगा। अगर आप उसको बहुत ही अच्छे से एक बैलेंस वे में लिखोगे तो वहां स्कोर थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा इसके अपेक्षा।
उसके बाद भारतीय संसद प्रशासन पे किस प्रकार नियंत्रण रखती है, इसकी सीमाओं का उल्लेख करते हुए इसे अधिक प्रभावशाली बनाने का उल्लेख करें, ये एक क्वेश्चन है। दूसरा है लोक नीति को परिभाषित कीजिए, भारत में नीति निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए। तो ये जो है लोक नीति को परिभाषित कीजिए और इसकी क्रियान्वयन की प्रक्रिया, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन, सब अच्छे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि किसका चुनाव करें, अच्छे क्वेश्चन में किस क्वेश्चन का चुनाव करें जो थोड़ा सा एज बढ़ा दे। अधिकांश लोग जिस क्वेश्चन पे अटेम्प्ट लेते हैं वहां पे बहुत बार, देखो मेरे कहने का कोई भी ये मतलब नहीं निकाल लेना कि ये क्वेश्चन खराब है, यहां नंबर नहीं आता, नंबर सब क्वेश्चन में आते हैं, आप अच्छे से आंसर लिखोगे तो आएगा, लेकिन अगर उसी पे सब कोई आंसर लिख रहे हैं तो फिर एक कहीं ना कहीं एक एवरेज वाली बात हो जाती है। लेकिन आप उससे हटके एक टफ क्वेश्चन जहां कोई अप्रोच नहीं करा, जो अटेम्प्ट नहीं ले रहा, वहां पे आप अगर अच्छे से अटेम्प्ट लोगे तो वहां आंसर, वहां जो स्कोर है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह से लोक नीति को परिभाषित कीजिए, अगर क्वेश्चन आप उठाते हैं तो ये ज्यादा बेटर हो जाएगा, प्रोवाइड कर रहा है ये। उसके बाद तो इसी तरह से और भी सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स मेरे पास है कुछ क्वेश्चन बैंक, तो इसी के थ्रू हम लोग थोड़ा थोड़ा देखते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में इसका तो क्वेश्चन ही कुछ अलग तरीके से है, लेकिन पहला क्वेश्चन में जीडीपी का क्या अर्थ है, दूसरा जीडीपी का घटक क्या है, तीसरा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के परिवर्तन के संदर्भ में जीडीपी का होता, यानी जीडीपी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, जीडीपी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है कि व्यवहारवादी अर्थशास्त्र क्या है, यानी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या है, व्यवहारवादी अर्थशास्त्र। दूसरा कहता है, उसका सेकेंड क्वेश्चन है रॉबर्ट थैलर के द्वारा प्रस्तुत की गई उपभोक्ता व्यापार की नज थ्योरी की व्याख्या करें। तो ये जो जीडीपी वाला है अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जीडीपी वाला से ज्यादा व्यवहारवादी अर्थशास्त्र पे अगर आप लिखेंगे, इसको बहुत दूर से एक भूमिका बना के अगर इसको आप कस के, मतलब एकदम क्या कहते हैं उसको, एकदम सुलझा हुआ और एकदम सटीक आंसर अगर लिखते हो तो यहां पे स्कोर बढ़ जाएगा, डेफिनेटली यहां पे स्कोर बढ़ेगा। सब जीडीपी की बात करेंगे, आप व्यवहारवादी अर्थशास्त्र की बात करोगे तो वहां पे नंबर बढ़ जाएगा। उसके बाद विकुंचित मांग वक्र क्या है, उपभोक्ता मांग की व्याख्या कैसे करता है, एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण की व्याख्या के लिए, ये सारा क्वेश्चन है कि मैं जो क्वेश्चन खोजा वो कहा। हाँ, अर्थव्यवस्था में चक्रीय परिवर्तन के कारण किसी भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में किसी दिए गए समय बिंदु पर पूर्ण रोजगार संभव नहीं है, क्या आप सहमत हैं, यहां पूछ रहा है क्या आप सहमत हैं। अब आप सीधे सीधे सहमत भी नहीं हो सकते, यानी कि सीधे हाँ ये सहमत है ऐसे से नहीं, आपको पहले दिखाना होगा कि कैसे नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, उसके बाद आपको कंक्लूजन देना होगा, वहां आपको अपना थाउट रखना होगा कि आप सहमत हैं पूर्णतः या नहीं है, एक बैलेंस अप्रोच देना, अपने थाउट देने की जगह किसी न किसी इकोनॉमिस्ट का उठाना और कहना कि ऐसे ऐसे किया जा सकता है, ये बचने का एक तरीका होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है, फिर बजट घाटा राजस्व घाटा, वित्तीय घाटा, इनको समझाओ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर ढांचे में क्या अंतर, इनको समझाना। इसकी जगह पे अगर आप अंतरराष्ट्रीय व्यापार पे रिकार्डो का सिद्धांत लिखते हैं या विदेशी विनिमय की क्रय शक्ति समान समता सिद्धांत लिखते हैं, विदेशी विनिमय का क्रय शक्ति समता सिद्धांत समझाइए, अगर आप इस पे लिखते हैं तो वो जो कहा गया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर है या वित्तीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, इससे ज्यादा नंबर आएगा। वहां पे आप क्या लिखोगे, क्या होता है, यही तो लिखना है, तो वो तो सब लिखेंगे, लेकिन आप जब इसके आंसर लिखोगे तो आपको अच्छा आएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि नहीं आता हो तो जबरदस्ती कूद जाना उस क्वेश्चन पे, कहना सर ने ऐसा कहा था, ऐसा नहीं है, अगर आता है तभी अटेम्प्ट ले, नहीं तो नहीं ले। उसके बाद क्या है, ये साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान में हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, मनोविज्ञान ठीक है, क्वेश्चन है जन्मजात एवं अर्जित अभिप्रेरणा एक्वायर्ड मोटिव्स उन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जो आवश्यकताओं को मानव अभिप्रेरणा का आधार समझते हैं। यहां क्या क्वेश्चन कह रहा है, यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इनेट एंड एक्वायर्ड मोटिव्स, यानी जो आपके जन्मजात, इनेट मतलब जन्मजात होता है, जन्मजात और एक्वायर्ड जो आप लोग सीखते हो, जो लोग हम लोग सीखते हैं बाहर से उसको कहते हैं एक्वायर्ड। तो जन्मजात और अर्जित अभिप्रेरणा जो मोटिव्स है उसमें विभेद कीजिए, डिफरेंस बताइए और उन सिद्धांतों का वर्णन कीजिए जो आवश्यकताओं को मानव अभिप्रेरणा का आधार समझते हैं, यानी ह्यूमन मोटिवेशन का जो आधार है उसको क्या समझ, मैंने उस
उस सिद्धांत का वर्णन कीजिए जो आवश्यकताओं को मानव अभिप्रेरणा का आधार समझते हैं। कहते हैं ना, नीड एज द बेसिस ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इसका आधार समझने वाली सिद्धांतों का वर्णन करने की बात की जा रहा है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहां पे देखो, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति के मध्य अंतर बताएं। अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो मेमोरीज हैं उसके मध्य में अंतर बताएं, और विस्मरण यानी भूलने का है कि गति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। सीधा सीधा क्वेश्चन है, उठाओगे, डालोगे, लिखोगे, चले जाओगे। लेकिन अगर पहला वाला क्वेश्चन, यहां पे भी ऐसा नहीं है, जो इनेट आइडिया है, एक्वायर्ड आइडिया है, ये भी पढ़ना है, यहां पे थ्योरी है, लेकिन जब आप इसको लिखोगे तो आप रिलेट करोगे, आप इसको एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर सकते हो, आप अलग अलग एग्जाम्पल्स का यहां पे यूज कर सकते हो रिलेट करने के लिए। तो ये जो एक नंबर का क्वेश्चन है, यहां पे आप एज ले लोगे, क्योंकि यहां लिखने से लोग घबराएंगे, और यहां पे जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति है इस पे लिखेंगे, खूब लिखेंगे इस पे, और यहां लिखने से वो बचेंगे। तो यहां पे अगर आप इसको अच्छे से लिख देते हो तो स्कोर यहां पे ज्यादा मिल सकता है। ये मेरे पास जितना है उससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक और है, डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। सेंसेशन एंड परसेप्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, में क्या अंतर है? संवेदना और प्रत्यक्षीकरण में क्या अंतर है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी फिलोसफी में पढ़ना होता है इसको, तो कहीं कहीं अच्छा यूपीएससी का जो फोर्थ पेपर है वहां तो ये सारी चीजें पढ़नी है। यूपीएससी के फोर्थ पेपर में ये पढ़ा जाता है, सॉरी, प्रात्यक्षिक संगठन के क्या तात्पर्य है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को निर्धारित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो आप इसको दिखा सकते हैं, यहां पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं स्कोर जो है वो बढ़ा देंगे। व्यक्तिक भिन्नताओं के मापन के लिए विभिन्न प्रकार के, व्यक्ति जो पर्सनालिटी अलग अलग होती है उसके मापन के लिए विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का वर्णन कीजिए। कैसे कैसे मतलब जज किया जा सकता है मनोवैज्ञानिक थ्रू, साइकोलॉजिकल थ्रू। व्यक्तिशील गुणों के मापन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिता और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। करंट कंटेक्स्ट में दो एग्जांपल के साथ अगर इसको आप लिखा देते हो तो अच्छा स्कोर इसमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर सिर्फ थ्योरी नहीं है, आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ पुट करना होगा अगर आप अच्छा स्कोर चाहते हो तो। यहाँ पे यहाँ ये क्वेश्चन में वो स्कोप बनता है। तो जी इस तरह के क्वेश्चन जहां भी इस तरह के स्कोप बनते हैं वहां पे अगर आप करंट एग्जाम्पल के साथ या कहीं के भी दो चार एग्जाम्पल के साथ उस आंसर को पूरी तरह से तैयार करते हो तो वहां स्कोर ज्यादा मिल जाता है। उसके बाद है सोशियोलॉजी। चलिए सोशियोलॉजी में भी देख लेते हैं थोड़ा। सोशियोलॉजी, जाति और धर्म की बात होगी, दो क्वेश्चन। पहला, भारतीय जाति व्यवस्था में कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं? भारत में जाति व्यवस्था का भविष्य क्या है? क्या वर्तमान भारतीय समाज में जाति वर्ग में बदल गई है? और दूसरा, धर्म को परिभाषित कीजिए और धर्म और विज्ञान में अंतर बताइए। वर्तमान समय में धर्म प्रकार्यात्मक और कंटेम्परेरी सोसाइटी सुटेबल इंग्लिश में बोल दूं, एग्जामिन रिलीजन एज ए फंक्शन एंड डिसफंक्शन फैक्टर इन द कंटेम्परेरी सोसाइटी विद सुटेबल एग्जांपल्स, यानी प्रकार्यात्मक अप्रकार्यात्मक कारक जैसे उदाहरण सहित वर्णन करें। दिक्कत होता है, ऐसे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये जो सोशियोलॉजी है ना, हाँ, यहां पे थोड़ा सा बच के रहना, जाति आधारित क्वेश्चन और धर्म आधारित क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको नहीं लिखने हैं, लेकिन आपके पास अगर पूरी तरह से बैलेंस अप्रोच है तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को लिखे। अगर बैलेंस अप्रोच है तो लिखे, नहीं तो लिखते लिखते भावना में बह गए तो सारा आंसर भी जो है बह जाएगा, सारा मार्क्स जो है वो भी बह जाएगा। इसीलिए जाति आधारित, धर्म आधारित, किसी कल्चर पे अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो आपको पूरी तरह से एकदम से क्या कहते हैं बैलेंस अप्रोच में रखना है, कहीं भी लुढ़कना नहीं है, वो गए तो आपका आंसर चला जाएगा। एकदम बैलेंस अप्रोच रखना है, ये मत सोचना कि इस तरह के लोग कॉपी चेक करेंगे तो उनके फेवर में आंसर लिख दे तो ज्यादा नंबर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। वहां बैलेंस अप्रोच को ही ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आप ऐसे पद पे जा रहे हैं जहां हर तरह के लोग आपके पास आएंगे, तो वहां अगर इस तरह का अप्रोच आपके पास नहीं हो तो खतरनाक हो सकता है समाज के लिए। इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन
को अगर पूरी तरह से तैयार हो तो लिखो, नहीं तो किसी और क्वेश्चन पे स्विच कर जाओ। जैसे राजनीतिक सहभागिता को परिभाषित करते हुए समाज में इसके ढंगों तरीकों की व्याख्या कीजिए। राजनीति सहभागिता को परिभाषित करते हुए समाज में इसके ढंगों तरीकों को व्याख्या कीजिए। उपयुक्त उदाहरण सहित राजनीति सहभागिता व राजनीति सक्रियतावाद में अंतर कीजिए। ये क्वेश्चन है, इसका अगर आंसर आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छा आंसर होगा और बहुत ही स्कोरिंग भी होगा, बहुत ही स्कोरिंग होगा। समाज में शिक्षा व्यवस्था व इसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन है, समाज में शिक्षा व्यवस्था और उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। शिक्षा व्यवस्था में नई प्रवृत्तियों का उदाहरण सहित आलोचनात्मक वर्णन करें। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देना है, तो ये डिमांड ही कर दिया, नहीं भी है तब भी एक दो डाल दो एग्जाम्पल, नहीं भी है तो करंट एग्जाम्पल एक दो डाल दिया करो आंसर में, अच्छा रहेगा। उसके साथ आलोचनात्मक, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि इसमें आपके पास बहुत सारा ग्राउंड है इसके अंदर पुट करने का और एकदम बिल्कुल सटीक आंसर जो है यहाँ पे तैयार हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे जाएं और उस तरह के क्वेश्चन पे बचें। ज्योग्राफी LSW का मेरे पास क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन है जब देखता हूं हो जाएगा। ज्योग्राफी क्वेश्चन, अपर्दन चक्र की संकल्पना के संदर्भ में डेविस एवं पेंक के विचार की तुलना करें। अपर्दन चक्र के संकल्पना के संबंध में डेविस एवं पेंक के विचार की तुलना करें एवं उसका आलोचनात्मक परीक्षण करें। दूसरा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण, सिलेबस में लिखा हुआ था, हम लोगों ने डिस्कस किया भी था। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण की बात की जा रही है, हिंद महासागर के तली के उच्चावच के स्वरूप की बात की जा रही है। आप अच्छा एक और बात कि पांच क्वेश्चन लिखने हैं तो सारा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको हर क्वेश्चन जो जैसे ये कोपेन की बात की जा रही है सीधा सीधा क्वेश्चन है, जोड़ी नहीं कि इसको स्किप कर जाओ, हर क्वेश्चन को नहीं। पांच में दो क्वेश्चन बिल्कुल जो तथ्यात्मक आपको दिखते हो जहां पे खूब कंटेंट आप डाल के आंसर लिख सकते हो उसको सिलेक्ट करो और तीन थोड़ा सा हटके सिलेक्ट करो, दो बिल्कुल फैक्चुअल सिलेक्ट करो जिसपे आप बहुत ही अच्छा आंसर लिख सकते हैं या जो सब लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं उस पर आप लिखो, लेकिन तीन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके करो वो ज्यादा बेटर है। तो ये जो कोपेन वाला है हिंद महासागर की तली का उच्चावच, क्योंकि यहां पे आप डायग्राम बना सकते हैं। हर सब्जेक्ट का जो डिमांड है वो अलग अलग होता है, हर सब्जेक्ट। अब सोशियोलॉजी की बात अलग है, वहां पे मैंने रिलीजन और कास्ट की बात की, यहां पे बात करूंगा कि जिसमें आपको ज्यादा मैप बनाने का मौका मिले, डायग्राम बनाने का मौका मिले, उस तरह के क्वेश्चन को ज्योग्राफी में आप जरूर ले, और नहीं भी मौका मिले तो कुछ भी बना डालो, लेकिन बना डालो, जहां भी मौका मिले छोड़ना नहीं, कुछ ना कुछ बना देना। इससे क्या होगा कि एक तो एग्जाम जो चेक कर रहा है आपका कॉपी उसको आसानी हो जाएगी, आप इवेल्युएट करने में नंबर देने में उसको आसानी हो जाएगी। तो आपको से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण आप इसको दिखा सकते हो मैप पे, हिंद महासागर की तली का उच्चावच का जो वर्णन करना है उसको आप मैप पे उसका डायग्राम बना के बहुत ही अच्छे से दिखा सकते हो, दिखाओगे नंबर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि सर ये सब ठीक है सब, लेकिन आप बहुत अच्छे से अगर उसको करके चले जाते हो तो वहां स्कोर मिलेगा। उसके बाद वैश्विक परिस्थिति असंतुलन के उत्तरदायी कारकों की विवेचना करें और सवाना वन जीवों की पारिस्थितिकी पहलुओं पर टिप्पणी करें। ये क्वेश्चन है तीन नंबर का। चौथा नंबर का क्वेश्चन है नियतिवाद एवं संभववाद की अवधारणा की समीक्षा करें। पांचवा क्वेश्चन है विश्व को सांस्कृतिक प्रदेशों में विभाजित कीजिए तथा उनके सांस्कृतिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। यह पांचवा क्वेश्चन है। उसके बाद ग्राम नगर उपांत के लक्षण और परिसीमन की विधियों की विवेचना कीजिए। यह एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर भी आप जैसे ग्राम और नगर है तो आप टाउन बनाओगे, टाउन के पेरीफेरी में उपनगरीय क्षेत्र है, ये सब बना के उसके बीच का इंटर रिलेशन आप दिखाएंगे। जब इंटर रिलेशन दिखाएंगे तो फिर वहां पे स्कोर आपका बढ़ जाएगा। आप वर्ल्ड का मैप थोड़ा सा ज्यादा एकदम फिनिशिंग नहीं करना, वर्ल्ड का मैप खींचोगे और वहां पे आप अंतर दिखाओगे तो वहां पे भी अंतर बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा कि आपको एज दिलाएगा और सब जगहों से यहाँ पे नंबर ज्यादा बढ़ेगा। अगर इंडियन ज्योग्राफी में आ जाए तो भारत के भौतिक प्रदेशों को विभाजित कीजिए और उसके प्रमुख प्रदेशों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यहाँ पे मैप बनाने का स्कोप मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे भी नहीं छोड़ना है आपको, इसीलिए इसको यहाँ नहीं छोड़ना है, यहाँ आपको मैपिंग करना है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेना है। हरित क्रांति के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, ये क्वेश्चन है। और बिहार में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए। अगर इन दोनों में कोई चूज करना हो तो आप क्या चूज करोगे?
हरित क्रांति वाला चूज करने की जगह पे आपको चूज करना चाहिए बिहार में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों का वर्णन कीजिए, क्योंकि हरित क्रांति बहुत आसान है, कोई भी स्टूडेंट जिसने ज्योग्राफी की अच्छी तैयारी नहीं की है वो भी उस क्वेश्चन को लेगा और निकल जाएगा, लिखेगा और निकल जाएगा, उसको लगेगा मैंने लिख दिया। लेकिन आप जो दूसरे क्वेश्चन पे लिखेंगे बिहार में के बारे में तो वहां पे स्कोर ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए स्मार्ट तरीका होता है। हर एग्जाम को निकालने का जरूरी नहीं कि एकदम बस पढ़े पढ़े पढ़े, सिर्फ पढ़ने से नहीं सोचना ही पड़ता है कि और क्या क्या तरीका होगा जहां से स्कोर निकाला जा सकता है। उसके बाद 62 से 63 यही है हिस्ट्री का, हाँ हिस्ट्री यही है मेरे पास। इसमें क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म एवं ब्राह्मणवादी हिंदूवाद के मध्य सहमति और अंतर के मुख्य बिंदु को स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है संभवतः भारत कभी भी प्राच्यवादी पद्धति के द्वारा बेहतर रूप से प्रशासित नहीं हो सका जितना विक्रमादित्य के युग में हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 600 से 900वीं दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लवों का क्या राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान था। इसको भी कर सकते हो, लेकिन विक्रमादित्य वाला जो क्वेश्चन है वो मुझे ज्यादा सही लगता है कि जब आप वहां पे अंतर दिखाते हुए चीजों को दिखाओगे तो वहां ज्यादा नंबर मिलेगा। लेकिन अधिकांश लोग क्या करेंगे, बौद्धिज्म उठाएंगे, हिंदुइज्म उठाएंगे और वहां डिफरेंस दिखा के निकल जाएंगे। लेकिन आप जब विक्रमादित्य वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से, अगर आपका पकड़ है तब इस तरह के क्वेश्चन पे जाओ, नहीं तो आप भी सुरक्षित निकलो सबकी तरह। पकड़ है तो जब आप ये दिखाओगे प्राच्यवादी यानी जो वेस्टर्न पद्धति है, प्राच्यवादी पद्धति सॉरी, उसके द्वारा बेहतर रूप से प्रशासित नहीं हुआ जितना विक्रमादित्य के युग में। तो विक्रमादित्य का युग अगर क्लियर है तो इसके साथ आप कंपेयर दिखाओगे तो ज्यादा अच्छा होगा। पल्लव का दिखा दो, पल्लव काल का राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान क्या है, सीधा सीधा है लेकिन इसको भी आप दिखा सकते हैं। वहां का पहले नक्शा थोड़ा सा बना दो और के थोड़ा थोड़ा करके दिखा दो वहां से। दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृति को किए गए प्राचीन भारत का योगदान का परीक्षण कीजिए। दक्षिण पूर्व एशिया की संस्कृति को दिए गए प्राचीन भारत के योगदान का परीक्षण कीजिए। और फिरोज शाह तुगलक एक दयालु शासक था, क्या क्या किया, क्या क्या किया ये है। तो फिरोज शाह तुगलक वाला क्वेश्चन आप बना सकते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की संस्कृति को दिए गए प्राचीन भारत का योगदान क्या था, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें मॉडर्न में आए तो भारत के लिए सामाजिक, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर ये किसी ने लिखा तो 100% को अच्छा नंबर मिलेगा। भारत के लिए सामाजिक नीति बनाने में अंग्रेजों के ध्येय और व्यवस्थाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। अगर आपने इसको लिखा या इसके जगह पे इसको लिखा, मान लो 1857 की क्रांति परंपरा और आधुनिकता में एक संघर्ष था, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी यहां पे कारण परिणाम ही पूछ रहा है, यहां पे कारण परिणाम कैसे यहां पे क्या होगा। इस क्वेश्चन अभी मैं बहुत आदमी को, अभी जो भी टेस्ट में से जुड़े हैं बहुत को दे दूं लिखने के लिए, तो वो 1857 की क्रांति कब हुई, कैसे हुई, क्या क्या हुआ, ये सब लिखना शुरू कर देंगे। यहां सीधे परंपरा और आधुनिकता के बीच में अंतर पूछा, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर आपको लिखने का मौका मिले, अगर सामाजिक नीति बनाने वाले अंग्रेज के ध्येय और व्यवस्थाओं पर आलोचनात्मक वर्णन आपने एग्जाम्पल के साथ लिख दिया प्रूफ करके, तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, सच बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, कमाल का क्वेश्चन है। उसके बाद असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद क्रांतिकारी आंदोलन का जो डेवलपमेंट है इसको भी दिखाया जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन। लेकिन ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य के निर्माण पर टिप्पणी करें, ब्रिटिश राष्ट्रीय पहचान को किस तरह से पोषित किया गया, एक ये है। किस प्रकार नवीन विज्ञान और तकनीक 1870 के बाद पाश्चात्य जगत में भौतिक उन्नति के लिए जिम्मेवार था, और साम्यवादी क्रांति का चीन के समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आकलन करें। तो ये तो क्वेश्चन ठीक है, ब्रिटेन वाला क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बेटर है। तो यहां से इस तरह से जब अगर आप मेरे हिसाब से क्वेश्चन चूज करेंगे, उसको लिखेंगे, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए अगर आप आंसर लिखे, सटीक आंसर लिखे, उसके अंदर एग्जाम्पल डाले, जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखो। क्वेश्चन चूज करना है, अगर आपकी कमांड है उस सब्जेक्ट पे अच्छे से, तो आप क्वेश्चन को चूज करें तो आपको लगेगा कि जो, तब आप देखो कि आप किस तरह के क्वेश्चन पे अच्छा लिख सकते हो। अगर थोड़ा सा भी लीक से हटके जिसको कहते हैं क्वेश्चन है, वहां आपने अच्छा अटेम्प्ट कर लिया, थोड़ा कम भी अटेम्प्ट किया और ढंग से किया, तो वहां पे नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो जो मेंस की तैयारी 64th की शुरू करने वाले हैं उनके भी काम आएगी, और जो एग्जाम देने जा रहे हैं 63rd का उनके भी काम आएगा, या मेंस का कोई भी एग्जाम हो उसमें यह फंडा काम आएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।